पहला दिन आप घर में चना भाजी आराम से लगा सकते हैं, जिसे आप खा सकते हैं। और ये चना भाजी का पहले दिन का बुआई है। और ये है तीसरे से चौथा दिन, हमने घर पे ही चना भाजी की खेती का छोटा सा एग्जांपल दिया है। आप घर में इसको आराम से उगा सकते हैं और इसे भाजी का फ़ायदा उठा सकते हैं खा के। ये तीसरे से चौथा दिन का है, काफ़ी अंकुरित और हरे हरे पत्तियाँ आ चुकी हैं। इसके बाद हम देखेंगे छठे से सातवें दिन का। ये वीडियो है छठे से सातवें दिन में 1.5 इंच के आसपास चना भाजी हो चुका है, हरे हरे। इसे हर रोज़ पानी देना चाहिए ताकि इसकी ग्रोथ अच्छे से हो। ये काफ़ी अच्छे से ग्रोथ हुई है। इसे एक हम पुराने से बांस की टुकनी जैसे थी उसी में लगाए हुए हैं। खाद डाले थे, नॉर्मल खाद है। अभी काफ़ी हरे हरे और शानदार भाजी ग्रोथ हो रही हैं। इसके बाद देखेंगे हम 10वें से 12वें दिन का। ये और आपके सामने 10वें से 12वें दिन का देख सकते हैं आप। 10वें से 12वें दिन का भाजी है ये, काफ़ी अच्छा ग्रोथ किया है, हरे हरे भाजी। आप इसको आराम से स्वादिष्ट भाजी बना के खा सकते हैं या सलाद में भी यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी लोग इसको सलाद में डाल के खाते हैं। शरीर के लिए बहुत पौष्टिक तत्व है, ये फायदा करता है। ये देख सकते हैं अभी 3 से 4, 4-5 इंच के आसपास लगभग हो चुका है, हरे हरे। घर के इसी कोने पे ही हम लोग लगाए हैं छोटे से। आप इसको देखेंगे 12 से 15 दिन के अंदर ये तैयार हो चुकी हैं भाजी। अब इसको हम कटिंग कर सकते हैं, काफ़ी बड़े बड़े हो चुके हैं। आराम से कटिंग करके इसको सब्ज़ी या सलाद में यूज़ कर सकते हैं। और इसको हम कटिंग करेंगे कैंची की मदद से। छोटे से नीचे डंठल छोड़ देंगे, ऊपर में आराम से कटिंग करेंगे। हल्के हाथों से पकड़ेंगे और छोटे छोटे जोड़ी के रूप में इसको कटिंग करके एक इसमें रख लेंगे। पूरी जड़ से नहीं काटना है इसको, जड़ से थोड़ी गेप करके इसको कटिंग कर देंगे ताकि ये बाद में फिर से उग सकें। इसमें बाद में फिर से हम पानी डालेंगे और थोड़ी खाद डालेंगे तो ये फिर से ग्रोथ हो जाएगी। सारे को थोड़ा थोड़ा करके कटिंग करेंगे और उसके बाद हम इसकी भाजी या सैलेड में डाल के इसको यूज़ कर सकते हैं। ये खाने में बहुत टेस्टी होती है, काफ़ी स्वादिष्ट होती है। यानी पूरी थोड़ी थोड़ी करके इसको स्लाइस काट लेंगे। नरम है अभी, काफ़ी नरम है ये भाजी। 10 से 14-15 दिन के आसपास में ये तैयार हो जाती है। काफ़ी हरीदार पौष्टिक, घर में ही उगा सकते हैं इसको। 10 से 12 दिन में चने भाजी तैयार हो जाते हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी होती है इसकी भाजी। अब जो मार्केट से खरीदते हैं वो उतनी अच्छी नहीं होती, ये घर में उगाए हैं, इसमें उर्वरक इधर उधर के कोई खाद भी नहीं है। ये पूरी शुद्ध है, ताज़ी ताज़ी। आप इसे चाहे तो तुरंत बना सकते हैं या 1-2 दिन रुक के भी बना सकते हैं। हम इसे पूरी स्लाइस कर लेंगे, पूरी कटिंग करके ऐसे अच्छे से धो लेंगे, फिर इसके बाद इसको हम यूज़ कर सकते हैं। ये पूरी होगी कटिंग और इसमें हम थोड़ा खाद
डाल और पानी डाल के फिर से इसको तैयार कर सकते हैं। ये हमारी भाजी देखिए 10 से 12 दिन में एक मुट्ठी चने से इतनी सारी भाजी मिल गई हमको।